नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं YouTube चैनल स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिविडेंड कंपनी के बारे में। जी हाँ, जो डिविडेंड स्टॉक्स है यहाँ पर टोटल 17 कंपनी है। जी हाँ, 17 नंबर्स ऑफ कंपनी यहाँ पर, एक से बढ़कर एक कंपनियाँ है। कई सारी कंपनी यहाँ पर हाई डिविडेंड पे आउट करने वाली है। 5-10% का यहाँ पर आपका रिटर्न अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। अगर वीडियो में यहाँ पर कुछ भी आपका रह जाता है तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो। वहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में देता रहूँगा, वहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए और पर पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए, कितने यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, वीडियो को पूरा देखिए, एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा तो यहाँ पर आपको नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट रिलेटेड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को तब यहाँ पर फटाफट से शुरू। सामने फर्स्ट नंबर की हमारा जो यहाँ पर शेयर है केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, KKCL नाम का, जिसका अभी करंट भाव चल रहा है 740 रुपीज़, और इसमें कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, अगर आज के दिन की बात करूँ तो आज को ओवरऑल हमें सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, बट अगर स्टॉक्स की बात करूँ लास्ट 6 महीने में 9% का रिटर्न दिया है। और एक कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया है कितने का, ₹2 का यहाँ पर डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया है, और उसके हिसाब से यहाँ पर कंपनी का जो एक्स डेट रखा गया है वो कितना रखा गया है, एक्स डेट यहाँ पर आपका रखा गया है 2 फरवरी। जी हाँ, तो आपको 2 फरवरी से पहले यहाँ पर स्टॉक्स में बाइंग करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि कौन सी डेट से पहले आपको यहाँ पर बाइंग कर लेनी चाहिए, कि आखिरी डेट कौन सी होगी, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपको 31 जनवरी, यहाँ पर जो है 31 जनवरी, वो यहाँ पर आपकी आखिरी डेट रहेंगे, उससे पहले आपको बाई कर लेना है, अभी भी टाइम है। तो केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पर जो आपके रिटर्न अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पर फोकस नहीं करना है। और मैं अभी आगे आपको स्टॉक्स बताता हूँ वहाँ पर आपको फोकस करना है। सेस्क लिमिटेड, जी हाँ, हमारे सेकंड नंबर की यहाँ पर जो कंपनी है उसने भी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, और उसका जो शेयर का भाव अभी चल रहा है 132 रुपीज़। जी हाँ, 132 रुपीज़ पर शेयर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 महीने का रिटर्न की बात करूँ तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न यहाँ पर देखिए, रिटर्न ऑफ परसेंटेज 77%, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। और एक कंपनी ने भी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, जो एक्स डेट है कौन सी है, 1 फरवरी। जी हाँ, 1 फरवरी। तो यहाँ पर अगर आपकी बाइंग डेट यहाँ पर कितनी रहेंगी, तो एक दिन पहले, क्योंकि आपका अगर रिकॉर्ड डेट में नाम आएगा तभी जाकर आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ आपको 30 जनवरी के आसपास यहाँ पर आप बाइंग कर लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं। 30 जनवरी का अगर आपने बाइंग कर लिया होगा तो रिकॉर्ड डेट में आपका नाम जरूर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि होल्ड के कारण यहाँ पर इश्यू आ जाता है, नाम जो आपका होता है शेयर होल्डर्स का उसका रिकॉर्ड बुक में नाम नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर 1-2 दिन पहले ही बाइंग कर लेनी है। अभी यहाँ पर इस कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, तो ₹4.5, जी हाँ, 4.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मुझे पूछो तो 4.5 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर मिलेंगे। अगर किसी के पास 1,000 शेयर है इस कंपनी, कितने 1,000 शेयर आपको मिल जाएंगे, कितने 1.25 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर आपका, सामने आपका प्रॉफिट कितना होगा शॉर्ट टाइम के अंदर, आपको यहाँ पर 4,500 रुपीज़ के आसपास आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको जरूर अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। चलिए थर्ड नंबर के शेयर पर आना चाहूँगा, वेंडेट इंडिया लिमिटेड, हमारा यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी। आपको शेयर के प्राइस वाइज दिख रही होगी कि शेयर का जो भाव है बहुत ही ज़्यादा हाई है वेंडेट इंडिया लिमिटेड का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 13,000 के ऊपर है शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, 13,000 के ऊपर है शेयर ट्रेड कर रहा है, और एक कंपनी ने भी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कंपनी शायद बहुत बड़ा डिविडेंड पे आउट करने वाली होगी, बट यहाँ पर जो डिविडेंड का अमाउंट है वो ₹30 है। जी हाँ, कितना है, ₹30। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर तो आपको बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जिस कंपनी में अगर कोई बड़ी कंपनी अगर इतनी है, चाहे वो MRF हो गया, चाहे वो वेंडेट हो इंडिया हो गया, 13,000 करोड़ की कंपनी है, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है फिर भी आप कितने शेयर खरीद पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 शेयर खरीद पाओगे, 7 से 8 शेयर, कितना रुपीज़ हुआ 8 शेयर का, अगर आपके पास 30 से हम गए तो फिर भी यहाँ पर 240 रुपीज़ के आसपास होगा, उतना तो आपका चार्जेस टैक्सेस वगैरह लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, मीन्स खरीदना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका व्यू है आने वाले 6-8 महीने का यहाँ पर स्टॉक्स में, तब जाकर यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। अदरवाइज मैं कहता हूँ यहाँ पर आपका डिविडेंड के लिए आपको जो बाइंग करनी है, ठीक है, आपका डिविडेंड में आपको कितने टाइम होल्ड करना पड़ता है, 1 वीक से ज़्यादा यहाँ पर आप होल्ड नहीं कर पाओगे। डिविडेंड में अगर आपको अप्लाई किया है तो आपको 1 वीक होल्ड रखना है, उसके बाद आप अपने शेयर बेच दो, चाहे आपको डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है। एक बार रिकॉर्ड बुक में नाम हो गया फिर आप यहाँ पर बेच भी सकते हो, और अमूमन देखा गया है कि रिकॉर्ड डेट के बाद जब यहाँ पर एक्स डेट होती है उसके बाद यहाँ पर शेयर में गिरावट आती है। कई लोगों का क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो नए बिगिनर्स है उनको नहीं पता है, जब भी कोई कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर 5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंसमेंट करे, तो उस कंपनी के शेयर के भाव उतने गिरते हैं, अमूमन देखा गया है। ठीक है, कई बार रिकवरी भी आ जाती है, बट उतना हमें यहाँ पर डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है शेयर के प्राइस में, अगर कोई कंपनी यहाँ पर शेयर इतना डिविडेंड पे आउट कर रही है। सीधी सी बात है, कंपनी अपने यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड पे आउट कर रही है, तो वो सीधी सी बात है कि जो शेयर का प्राइस है उस पर इंपैक्ट आएगा ही आएगा, तो वो होता है। और बट अगर थोड़े टाइम अगर रुक जाते हो तो कई बार शेयर के प्राइस फिर से रिकवर भी यहाँ पर कर जाता है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहती है, बट यहाँ पर इस कंपनी में आपको यहाँ पर बाय नहीं करना। चले फोर्थ नंबर की कंपनी पर आना चाहूँगा,
सूरज लिमिटेड हमारे यहाँ पर फोर्थ नंबर की जो कंपनी है, अब यहाँ पर इस कंपनी में डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और यहाँ पर शेयर का भाव भी कहाँ पर चल रहा है 237 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पर लास्ट 6 महीने में स्टॉक्स ने भी शानदार 62% का रिटर्न बनाकर दिया है इन्वेस्टर्स को। अब डिविडेंड का अमाउंट कितना यहाँ पर है, डिविडेंड का अमाउंट जो यहाँ पर है 1.5 रुपीज़ है। जी हाँ, 1.5 रुपीज़ है। तो यहाँ पर क्या हमें बाय करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कंपनी के एक्सपायर कौन से है, तो उससे पहले हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए। तो एक्सपायर यहाँ पर 31 जनवरी के आसपास है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपको 28-29 जनवरी के आसपास आपको बाय कर लेना है अगर आपको करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मिला जुला कर तो आपको 1-2% के आसपास का यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, अगर मिलेगा तो। अगर कोई बड़ी क्वांटिटी में कोई बाय करना चाहता है, ठीक है, जो बड़े यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज रिटेल्स के लिए मैं कहूँगा यहाँ पर आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ नंबर का शेयर जो हमारा यहाँ पर है मेट्रो ब्रांच लिमिटेड। जी हाँ, मेट्रो ब्रांच लिमिटेड लास्ट 6 महीने में स्टॉक्स ने कंपनी ने कितना रिटर्न बनाकर दिया है, तो बहुत कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दे, फिर भी यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट किया है 2.75 रुपीज़। जी हाँ, RS 2.75 रुपीज़ का यहाँ पर एक शानदार डिविडेंड पे किया है, जो एक्स डेट यहाँ पर है, और एक्स डेट यहाँ पर है कितनी 31 जनवरी। तो यहाँ पर भी अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको यहाँ पर 28-29 जनवरी के आसपास यहाँ पर आपको शेयर जो है वो यहाँ पर बाय कर लेना है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, बट मैं कहता हूँ यहाँ पर भी जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखोगे, ठीक है, परसेंटेज में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर भी आपको फोकस नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे, स्टॉक्स मिलेंगे, जहाँ पर लोग कहेंगे कि ये स्टॉक्स खरीद लो, वो स्टॉक्स खरीद लो, बट मैं ऑलवेज फोकस करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो हाई डिविडेंड वाली कंपनी है वहाँ पर फोकस करना है। यहाँ पर मैंने जो 17 कंपनी आपको इस वजह से बताई कि कहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है, कहाँ पर आपको फोकस करना है, तो आने वाले वीडियो में आपको पता चल पाए कि यहाँ पर आपको कौन सा स्टॉक्स पर ओनली फोकस करना है। तो मेरा यहाँ पर व्यू एक साथ 17 कंपनी बताने का रीज़न यही था कि आपको यहाँ पर लर्निंग मिले, ठीक है, लर्निंग के कारण आप आने वाला टाइम में यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर पाओगे। चलिए आगे आने वाले स्टॉक्स पर बात बताना चाहूँगा। पूना वाला फिनकॉप लिमिटेड, जी हाँ, बहुत ही शानदार कंपनी मेरे हिसाब से यहाँ पर है। 38,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लास्ट अगर मैं 6 महीने के रिटर्न की बात करूँ तो 34% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। एक कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और जो डिविडेंड का अमाउंट है वो कितना है, RS 2 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर डिविडेंड का अमाउंट है। एक्स डेट 31 जनवरी के आसपास है। तो यहाँ पर भी आपको 28-29 जनवरी के आसपास बाय कर लेना है, बट मैं कहता हूँ यहाँ पर एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टॉक्स मुझे लगता है यहाँ पर अच्छा चलेगा आने वाले टाइम में भी। तो यहाँ पर अगर किसी को बाय करना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है आपको डिविडेंड का। तो यहाँ पर RS 2 पर शेयर मिलने ही वाला है। उसके अलावा कंपनी का जो टेक्निकली शेयर के भाव में हमें ऊपर के साइड देखने को मिलेगा वो तो यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा रिटर्न बनेगा। तो यहाँ पर पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड आने वाली कंपनी कौन से जो अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है, चले बताना चाहूँगा। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जी हाँ, एक कंपनी यहाँ पर बहुत ही शानदार मुझे दिख रही है। 62,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। मुझे लगता है सारी कंपनी जो यहाँ पर आप मानो या ना मानो छोटी कंपनी थोड़ी मुझे लग रही है, क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल हम देखें तो IT में कंपनी कारोबार करे, TCS इन्फोसिस विप्रो से तो कम यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक कंपनी सारी यहाँ पर अच्छी चलेगी मेरे हिसाब से। और यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है आने वाले 1 से 2 साल का, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको जरूर बाइंग करनी चाहिए। कंपनी ने भी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और एक्स डेट कौन सी है, 30 जनवरी। जी हाँ, 30 जनवरी यहाँ पर आपकी एक्स डेट है। और कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है वो अमाउंट कौन सा है, कितने रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड पे आउट किया है, तो RS 32 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो 32 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंसमेंट है। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपका व्यू यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर 6 से 8 महीने का, 1 साल का 2 साल का है, तो मैं कहता हूँ जरूर यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल के हिसाब से। तो परसिस्टेंट लिमिटेड यहाँ पर IT कंपनी जो है वो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट कर रही है। अब आपके सामने यहाँ पर जो आपका जैकपॉट डिविडेंड स्टॉक्स है वो आपके सामने आ चुका है, गोथी प्लास्कोन इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, बहुत ही छोटी कंपनी, सिर्फ 50 करोड़ की कंपनी यहाँ पर है। लास्ट 6 महीने में 50% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। जो शेयर का भाव है वो यहाँ पर 50 रुपीज़ पर है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर 50-50 के फिगर पर अटकी हुई है। और जो शेयर ने डिविडेंड जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है वो RS कितना 2 रुपीज़ का यहाँ पर एक शानदार डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है कंपनी। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर मुझे लगता है 4-5% का रिटर्न बन रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जो एक्स डेट कौन से, 30 जनवरी। जी हाँ, यहाँ पर भी 30 जनवरी आपकी एक्स डेट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। छोटी कंपनी, बहुत बड़ा डिविडेंड अमाउंट है। लास्ट 6 महीने में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, शेयर का भाव बहुत कम है। तो यहाँ पर मुझे लगता है बड़ी क्वांटिटी में आप यहाँ पर बिग क्वांटिटी में बाय कर एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर आप बना सकते हो। बट यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर क्योंकि शेयर थोड़ा गिरता है तो आपको यहाँ पर पेशेंस भी रखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नहीं जाना है, बहुत सारी क्वांटिटी में ऐसे ही बाय नहीं करना है, पूरा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि छोटी कंपनी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है अगर स्टॉक नीचे आ गया तो। तो इतना याद रखेगा कि यहाँ पर जो भी कुछ अमाउंट लगाना है बहुत ही छोटा अमाउंट लगाना है डिविडेंड के लिए, क्योंकि छोटी कंपनी में कभी भी डिविडेंड के लिए बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है। तो चलिए आने वाली कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा।
सीमेंस जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पर आपके सामने नाम आ चुका है। इस बड़ी कंपनी ने भी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। लगातार डिविडेंड कंपनी देती रहती है। 4055 रुपीज़ के आसपास शेयर का भाव अभी यहाँ पर चला है। लास्ट 6 महीने में कंपनी ने ओवरऑल चैनल परफॉर्म किया है, 10% के आसपास का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। इस स्टॉक्स ने ₹10 का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, ₹10 का यहाँ पर शानदार डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है किसी का तो मैं कहता हूँ यहाँ पर ऑटो इंसुरेंस कंपनी में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पर करना चाहिए थोड़ा लॉन्ग टर्म का, 6 से 8 महीने का अगर व्यू है। साथ में कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। तो ₹10 का पर शेयर डिविडेंड है। जो आखिरी डेट है वो यहाँ पर 30 जनवरी है। 30 जनवरी से पहले यहाँ पर आपको शेयर बाय कर लेना है। आने वाली कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, 361 VAM Limited। जी हाँ, 361 VAM Limited यहाँ पर कंपनी का नाम है। ₹620 पर एक स्टॉक सभी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो। जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है बहुत ही अच्छा अमाउंट है, ₹4.50। जी हाँ, ₹4.50 का यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। मिड कैप कंपनी हम इसको मानकर चल सकते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट 6 महीने का ग्रोथ हमें देखने को मिला है वो 19% के आसपास। तो यहाँ पर अगर टेक्निकली अगर किसी को देखना है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ये कंपनी आपको यहाँ पर डिविडेंड के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर किसी को डिविडेंड के लिए यहाँ पर बाय करना है तो मुझे लगता है डिविडेंड यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ₹4.50 पर शेयर यूनिट यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए ताकि आप यहाँ पर डिविडेंड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। अदरवाइज टेक्निकली बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मुझे भी यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, आने वाले स्टॉक्स बताना चाहूँगा, SLR Solutions India Limited। जी हाँ, एक कंपनी IT कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। एक बार हमने इसका वीडियो बनाकर भी आपको बताया था जब ये स्टॉक्स 900 to 1000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। 24% का लास्ट 6 महीने में रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। डिविडेंड का जो अमाउंट है कंपनी ने अनाउंस किया है बहुत ही शानदार, ₹25 पर शेयर। जी हाँ, ₹25 पर शेयर डिविडेंड यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही शानदार अमाउंट डिविडेंड का यहाँ पर है। जो आखिरी डेट है वो 29 जनवरी है। 29 जनवरी से पहले यहाँ पर आपको बाई कर लेना है। 27 to 28 जनवरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है तो यहाँ पर बाइंग के लिए। तो मैं तो यहाँ पर अगर का व्यू अच्छा है, IT कंपनी है, तो मुझे लगता है ग्रो भी अच्छा करेंगी। यहाँ से स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर है और बहुत बड़े रिटर्न के लिए आने वाला टाइम आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो SLR Solutions India Limited लगातार कंटिन्यूसली आपको डिविडेंड पे आउट करती है, रिटर्न भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो एक कंपनी में आपको बने रहना चाहिए। इसलिए आगे आने वाली कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, GOA Carbon Limited। जी हाँ, GOA Carbon Limited यहाँ पर कंपनी का नाम है, शेयर का नाम है। 6 महीने में अगर रिटर्न की बात करो तो 32% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। लास्ट थोड़े दिनों में स्टॉक्स अच्छा चला है। तो गिरावट में मुझे लगता है स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ पर गिरावट में अगर बाई करोगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट जो डिविडेंड है, यहाँ पर हम डिविडेंड पर आ जाते हैं और ₹10 का पर शेयर यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो बहुत ही शानदार कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है। मेरे हिसाब से ₹10 पर शेयर यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो अगर किसी को डिविडेंड के लिए बाई करना है, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है, बहुत ही लो वैल्यूएशन मुझे लगता है स्टॉक्स यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का रिजल्ट भी शानदार है, कंपनी का डेट भी कम हुआ है। तो अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म का भी हो तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका यहाँ पर लाइक रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अगर आप कमेंट्स में बताओगे तो मैं जरूर इस पर डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर आपको बनाकर बताने वाला हूँ। तो GOA Carbon Limited को यहाँ पर आपको भूलना नहीं है, फोकस करना है। डिविडेंड के लिए भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आने वाले शेयर पर बताना चाहूँगा, PCBL Limited। जी हाँ, ये कंपनी ने ओवरऑल शानदार परफॉर्म किया है। लास्ट 6 महीने का अगर रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर 100% का रिटर्न बना कर दिया है। ऑलमोस्ट लोगों इन्वेस्टर का पैसा डबल करके दिया है लास्ट 6 महीने के अंदर अंदर स्टॉक्स ने। और अभी हाल फिलहाल में एक शानदार डिविडेंड कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, डिविडेंड की अगर बात करूँ तो ₹5.50 का। जी हाँ, डेट अगर बात करूँ, एक्सडेट कौन से, तो 29 जनवरी है। तो उससे पहले आपको बाय करना है, एक दो दिन पहले। और जो अमाउंट कितना है, 5.50। जी हाँ, ₹5.50 का अमाउंट है। मुझे लगता है बेस्ट एवर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आपको यहाँ पर डिविडेंड के लिए यहाँ पर बाय करना है। तो 11.5 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, कोई और वैल्यूएशन नहीं है। कंपनी की डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट करती रहती है। तो PCBL Limited यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट है। Castrol India Limited यहाँ पर एक कंपनी ने भी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट किया है। और यहाँ पर लास्ट 6 महीने में 21% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो यहाँ पर चलिए, जो रेंज में है स्टॉक्स, एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कभी भी ब्रेकआउट भी आ सकता है। 1500 करोड़ की ये कंपनी है और स्टॉक्स ने करना है। अभी जो डिविडेंड अमाउंट किया है, डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, वो कितना है, ₹7.50। जी हाँ, ₹7.50 पर शेयर डिविडेंड अनाउंसमेंट है। तो बट यहाँ पर इससे बढ़िया तो जो कई सारी ऐसी कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ जहाँ पर आपको ₹10-10 का पर शेयर यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है, तो वहाँ पर फोकस करना चाहिए। और अगर इसके बात करो तो यहाँ पर इनकी एक्स डेट कौन सा, 25 जनवरी। तो यहाँ पर आपको आज या कल के दिन में यहाँ पर आपको बाइंग करनी पड़ेगी। तो इसको मुझे लगता है आपको अवॉइड यहाँ पर करना चाहिए। मैस्टेक लिमिटेड, जी हाँ, एक कंपनी, छोटी कंपनी, यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है। 8.5 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। लास्ट 6 महीने में 27% का रिटर्न बनाकर दिया है। बट अगर डिविडेंड की बात करो तो यहाँ पर कितने रुपीज़ का, ₹7 का डिविडेंड पे आउट कर रही है। ₹27 का शेयर है बिल खुले में, कहता हूँ यहाँ पर आपको अवॉइड करना है। डिविडेंड के लिए आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है। जो एक्स डेट है वो कौन से, 25 जनवरी है। तो यहाँ पर आज या कल में यहाँ पर अगर आप बाई करना है तो करना चाहिए। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
बाय करने की। आखिरी नंबर का शेयर हमने यहाँ पर 16 शेयर के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया। कई सारी 4 से 5 अच्छी कंपनियाँ हैं जहाँ पर मुझे लगता है काम आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी कंपनियों में जो मैंने लर्निंग बताई उसको ध्यान में रखकर आपको आने वाले टाइम में बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। और अब आखिरी नंबर का शेयर कौन सा है चलिए बताना चाहूँगा, IIFL फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ, IIFL फाइनेंस लिमिटेड 633 रुपीज़ पर स्टॉक सभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 633 रुपीज़। और यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर लास्ट 6 महीने में तो स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है ओवरऑल, बट जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो कभी भी यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और जो ओवरऑल डिविडेंड का अमाउंट है वो कितना है, ₹4 रुपीज़ यहाँ पर डिविडेंड का अमाउंट है, तो ठीक ठाक है। इसको अगर मानकर चल सकते हो, अगर आपको ब्रेकआउट के लिए बाय करना है, थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बाय करना है, 2 से 3 महीने का आपका व्यू है तब जाकर यहाँ पर बाय करो तो ठीक है। SL आपको यहाँ पर नीचे रखना है, 570 रुपीज़ पर आपका चल रहेगा। ऊपर के सड़क के टारगेट यहाँ पर 700-750 रुपीज़ तक के टारगेट रहेंगे। और यहाँ पर आपको जो डिविडेंड अमाउंट है वो कितना है, 4 रुपीज़ का डिविडेंड अमाउंट अगर आप यहाँ पर बाय करोगे आज के या कल के दिन के, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स डेट है वो कौन से 25 जनवरी। जी हाँ, 25 जनवरी इनकी यहाँ पर एक्स डेट है, तो यहाँ पर आपको फोकस में रखना है। 17 के 17 स्टॉक्स के बारे में बता दिया, कई सारी कंपनी एक से बढ़कर एक है, कहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है, सारी इन्फॉर्मेशन लर्निंग सब कुछ यहाँ पर आपको बताया। आपको सिर्फ एक ही काम करना था, आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक करना था, शेयर करना था और सब्सक्राइब करना था। तो आपको यहाँ पर जरूर करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछे, कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते अगले वीडियो में।